जहां पुलिस को 73 मोबाइल मिले जिनकी कुल कीमत 8,10,000 रुपए बताई जा रही है। तीनों ही आरोपी झारखंड निवासी हैं और शहर के मंदिरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरियां करते हैं। आरोपियों के नाम मोहम्मद शहबाज खान, मोहम्मद अंसारी और शेख बाबर असलम बताया गया है। दो दिन पहले ये तीनों आरोपी ने नरेंद्रनगर निवासी संदेश विवेक बिना का भी मोबाइल चोरी किया था, जिसके बाद संदेश ने धंतोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस को उक्त मोबाइल की लोकेशन वांजरा बस्ती के पिछले हिस्से में ट्रेस हुई। लोकेशन के आधार पर पुलिस कामठी निवासी भीमराव जगनजी के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि कोई तीन लड़के हाल ही में रहने के लिए आए हैं। पुलिस ने जब घर की छानबीन की तो कुल 73 मोबाइल पुलिस को मिले। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल रात पुलिस थाना धंतोली यहाँ पे कंप्लेनेंट संदेश बिनक, उम्र 31 साल, रहना नरेंद्र नगर के साई मंदिर, यहाँ पे अपने परिवार के साथ पूजा पाठ के लिए आए थे। वहाँ आने के बाद उनका मोबाइल किसी अज्ञात चोर ने चोरी करके गया है। वो उसकी कंप्लेन लेके पुलिस थाना धंतोली यहाँ पे आए। धंतोली पे कार्यरत नाइट अधिकारी कोपनी मारकवाड़, इन्होंने उनकी कंप्लेन रजिस्टर की, ऑफेंस रजिस्टर किया और जो मोबाइल था उनका एप्पल कंपनी का, वो मोबाइल का तुरंत लोकेशन ट्रेस पे डाला था। मोबाइल सिम स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन एप्पल कंपनी का मोबाइल नेट से कनेक्टेड होने की वजह से हमारी टीम को लोकेशन ट्रेस हुआ था। जो लोकेशन हमको ट्रेस हुआ था वो यशोधरा नगर एरिया का ग्राम पंचायत एरिया है, वहाँ का आ रहा था। तभी पोपनी मारकवाट नाइट अधिकारी हमारे डीबी के एनपीसी सुभाष, एनपीसी बाळू, पीसी विनोद, पीसी मानिक और नए प्रोबेशनरी पीएसआई जाधव, ये पूरी टीम वो एरिया में सर्च के लिए गई। वहाँ पे पूछताछ करने के बाद, कुछ घरों में पूछताछ करने के बाद उनको वहाँ पे एक घर में कोई किराएदार अभी अभी नए एक महीना पहले रहने के लिए आए हैं और वो बाहर स्टेट के है ऐसा पता चला। वो पता चलने के बाद हमारी टीम ने वहाँ के जो घर मालिक है रोकड़े जी, उनको आने का प्रयोजन बताया और पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो तीनों जो लड़के हैं वो अभी अभी रहने के लिए आए हैं। तो वो हमारी टीम वहाँ पे जाके वहाँ वो जहाँ पे रहते हैं और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद जो हमारा जो गुना रजिस्टर था वो गुने का मोबाइल हमारे टीम को मिला। उसके साथ साथ उसी घर में अलग अलग जगह पे छिपाए हुए एक 73 मोबाइल हमारे टीम ने जब्त किए और आरोपी को ताबे में लेकर उनको अरेस्ट की कार्रवाई की है। तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है। 9-10 तारीख तक के पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। जो अटक आरोपी है उनका मोडस अटक आरोपी है मोहम्मद शहबाज खान, जो मोती झरना झारखंड के रहने वाले हैं। उनके साथीदार है मोहम्मद अंसारी, शेख बाबर, शेख असलम, ये सभी झारखंड के रहने वाले हैं। ये सब नागपुर सिटी या पूरे भारत भर अलग अलग एरिया में जाके जो अल्पवयीन बालक है उनकी मदद से मोबाइल चोरी करना और चोरी किए हुए मोबाइल बाहर राज्य या बाहर अदर कंट्री में भेजना, ये इनका मोडस है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला है। अभी जो कस्टडी में आरोपी है उनको अधिक पूछताछ करना जारी है। धन्यवाद। 73 मोबाइल जब्त किए हैं, कम से कम 9 लाख का माल पुलिस ने जब्त किया है। गंगोत्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध। उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या। प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार, कलर LED टीव्ही, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर। आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाइट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाउंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाए, बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध। 100% सुरक्षित गुंतवणूक। सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा। संपर्क करा इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर। अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मेटर्निटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट,
डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।